सब चीज हमारी है। हम अपने देश में एक रिफ्यूजी की तरह जी रहे हैं। हमारे जो आए हुए मुलानों को तनख्वाह दे रहे हैं 44,000, लेकिन हमें क्यों नहीं दिया जा रहा? क्या हम रिफ्यूजी है? अपने देश में रिफ्यूजी की तरह जी रहे हैं। हमारे हिंदू के अंदर, सनातन धर्म के अंदर ये फूट डालना बंद करे, ये बंद करे। स्वामी प्रसाद मौर्य सावधान, अजित अखिलेश यादव के, अखिलेश यादव नष्ट तुम्हारा कुल के अब बस होगा। तुम बैठ के तुम दलित का अपमान कर रहे हो, पत्थर मार रहे हो तुम, न तो विनाश विनाश कोई नहीं रोक सकता। ये जो अखिलेश हमें चैलेंज कर रहे हैं, ये ध्यान धर लेना। एक एक माता बोल रही है महाकरो, एक तो तुम्हारे बाप ने राम मंदिर के राम भक्तों के ऊपर, कार सेवक ऊपर गोली चलाया है तुम्हारे बाप। अखिलेश यादव सावधान, ये काली तुझे चैलेंज कर रहा, बचेगा नहीं तू। एक माली के फूल है, एक माली के फूल है। नमस्कार, मैं हूँ रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं BS न्यूज 48 दिल्ली। खबरों में खबर, आपकी खबर। दिल्ली के सिविल लाइन इलाके में यहाँ पर चंदगीराम अखाड़ा है, मुख्यमंत्री का आवास है, और यहाँ पर आज जो मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ है भारतीय जनता पार्टी का, वो यहाँ पर एक विशाल प्रदर्शन कर रहा है, जिसके अंतर्गत उनकी सरकार से मांग है, दिल्ली सरकार से डिमांड है कि वो जो मत है कि जो मंदिर के जो पुजारी हैं उनका भी एक मासिक वेतन निश्चित किया जाए। और उसी को लेकर के यहाँ पर जो है दिल्ली के और दिल्ली से बाहर के जो आए हुए जितने भी जो संत महात्मा हैं, वो यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो जुड़े हुए संत महात्माओं के संगठन है, वो यहाँ पर भारी संख्या पर यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ पर जो इस धरना प्रदर्शन को लेकर के जो बजरंग दल हिंदू सेना, आप सामने देख सकते हैं जो संत महात्मा है, वो यहाँ पे जो मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ के अंतर्गत जो ये प्रदर्शन हो रहा है, इसको सफल बनाने के लिए, यहाँ पर सरकार से बात करने के लिए यहाँ पर भारी संख्या में मौजूद है। आप देख सकते हैं सामने यहाँ पर दूर दूर तक सड़क के एक साइड में जो है उनके यहाँ पर इस धरने का जो अरेंजमेंट किया गया है, आप देख सकते हैं सामने किस तरह से यहाँ पर, और इस तरह से ये चलती सड़क पर ये मेट्रो स्टेशन है। यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर शहीद भाई बाल मुकुंद राजकीय सर्वोदय विद्यालय है, सिविल लाइन का यह इलाका है, और यहाँ पर सड़क के बिल्कुल साथ में जो है मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ, जो भारतीय जनता पार्टी का ये प्रकोष्ठ है, उसके द्वारा यहाँ पर एक विशाल प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें उनकी मांग है जो मंदिर के पुजारी है उनके लिए मासिक वेतन जो है तय होना चाहिए। और उनका कहना है कि जब मौलवियों को वेतन दिया जाता है तो पुजारियों को वेतन क्यों नहीं दिया जाता है? जो मंदिर के जो पुजारी हैं उनके वेतन को लेकर के यहाँ पर एक बड़ा विशाल मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो संत महात्मा है यहाँ पर भारी संख्या में मौजूद है, और अभी लगातार जो है दिल्ली से बाहर के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद होते जा रहे हैं। तो आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का ये धरना प्रदर्शन है, आखिर इन्हें यहाँ पर क्यों इकट्ठा होना पड़ा है। भाई सादर प्रणाम आपको। सबसे पहले अपना परिचय देते हुए बताएं कि आज यहाँ पर क्यों आने की जरूरत पड़ी आपको। मैं श्री दिगंबर नागा बाबा श्यामगिरी महाराज आनंद अखाड़े से आज से पहले इस प्रदर्शन की आवश्यकता थी कि एक देश में दो कानून क्यों, एक मजहब को पुजारियों को, एक मजहब के पुजारियों को वेतन और दूसरों को उस वेतन से वंचित, ऐसा क्यों? ये जो सरकार है ये दोहरी चाल क्यों चल रही है? तो आज दिल्ली संत मंडल NCR इस प्रदर्शन में
जोर और शोर से बल और दल के साथ सभी संतों के साथ यहाँ उपस्थित हुआ है अपनी बात रखने के लिए। सरकार या तो मंदिर मठ के महंत पुजारियों को भी वेतन दे, अन्यथा जिनको वेतन गवर्नमेंट दे रही है उसको भी बंद करे। इसी के शांतिपूर्ण प्रदर्शन में हम शामिल हुए। मैं श्री दिगंबर नागा बाबा श्यामगिरी मा कि किस तरह से दिल्ली या दिल्ली से बाहर के जो है लोग यहाँ पर भारी संख्या में यहाँ पर जो है शामिल होते हुए। नमस्कार महाराज जी, आपका परिचय? मैं पंडित प्रेमकांत झा, पश्चिमपुरी पॉकेटन श्री सनातन धर्म मंदिर के मुख्य सेवक। आज के इस अवसर पे आप क्या कहना चाह रहे हैं देशवासियों? यही चाहते हैं जो सरकार को एक भाव होना चाहिए, और सरकार तो यही है, वही सरकार अच्छा होता है जो सबके एक समान, राजा के लिए सभी प्रजा बराबर होना चाहिए। तो आज केजरीवाल जी सभी पुजारियों को, जब अगर मुसलमान मौलवियों को देते हैं तो सभी धर्म के पुजारियों को भी एक समान समझ करके ही ये सब हम जो एकत्रित हुए हैं सभी का एक सम्मान करें, तनख्वाह दे करके सभी बराबर। हाँ जी पंडित जी, आप बताइए, आपका परिचय दीजिए सबसे पहले और क्या कहना चाह रहे हैं आप बताएं। इस्कॉन मंदिर पंजाबी बाग राम राघोदास पुजारी के तरफ से हम आए हैं, और श्री माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग यही मांग है कि पुजारियों को भी धनराशि दिया जाए, सेवा में किया जाए, उनके बाल बच्चा भी हैं, तो आपसे यही विनती है, यही प्रार्थना है कि आप सबको दे रहे हैं तो पुजारियों को भी देना चाहिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हिंदू धर्म का पतन हो रहा है, कोई लालच दे करके, पैसे दे करके कोई ईसाई बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, हिंदू धर्म का पतन हो रहा है, जबकि हिंदू हिंदुस्तान है, जय श्री राम है। अब हम जब जहाँ जहाँ ये सरकार पुजारियों को देती है तो हमारे हिंदू धर्म के मंदिर के पुजारियों को भी वेतन दिया जाए, और यही हम मनोकामना करते हैं कि हमारे हिंदू धर्म का पतन ना होने पाए। पैसे के लालच में ईसाई बन जाना या कुछ बन जाना या कुछ बन जाना, ऐसा नहीं होना चाहिए, हिंदू धर्म का पतन ना होने पाए। धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहते हैं? आपका परिचय? मैं दिल्ली मंडल से महंत पार्वती पुरी बताना चाहती हूँ, हमारे देश हमारी सब चीज हमारी, हम अपने देश में एक रिफ्यूजी की तरह जी रहे हैं, रिफ्यूजी की तरह रह रहे, क्यों रह रहे हैं? क्या हमारा नहीं है, हमारा अधिकार नहीं है? हम तब बल करते हैं किसके लिए? संसार के लिए, उद्धार करने के लिए। लेकिन हमारे जो आए हुए मुलानों को तनख्वाह दे रहे हैं 44,000, लेकिन हमें क्यों नहीं दिया जा रहा? क्या हम रिफ्यूजी हैं? अपने देश में रिफ्यूजी की तरह जी रहे हैं, ऐसा क्यों? क्यों दो भाव कर रहे हैं? क्यों इस तरह कर रहे हैं? क्या साबित करना चाहते हैं? हमारे हिंदू के अंदर, सनातन धर्म के अंदर ये फूट डालना बंद करें, ये बंद करें। स्वामी प्रसाद मौर्या सावधान, अब तुम्हें बता रहे, सावधान हो जाना, अब तुम अब हिंदू जाग चुका, तुम हिंदू को फूट डाल रहे हो। ये सारी साजिश अखिलेश यादव के, अखिलेश यादव नष्ट तुम्हारा कुल के अब बस होगा। तुम बैठ के जो संतर रच रहे हो हिंदुओं के, तुमने इतिहास पढ़ो, जानो इतिहास, तुम दलित का अपमान कर रहे हो, पत्थर मार रहे हो, तुम
तुम बंद करो ये सनातन हिंदू धर्म के, नहीं तो विनाश विनाश कोई नहीं रोक सकता। माँ धरती को, माँ धरती कांपेगी, एक टन मेरी याद कर लेना, सनातन धर्म जाग जाओ। ये जो अखिलेश हमें चैलेंज कर रहे हैं ये ध्यान धर लेना। एक माता बोल रही है महाकाल परलय से कोई नहीं बचाएगा तुम्हारा, नष्ट होगा क्लेश, तुम सरेंडर बंद करो। एक तो तुम्हारे बाप ने राम मंदिर के राम भक्तों के ऊपर, कार सेवक ऊपर गोली चलाया है तुम्हारे बाप ने, तुम्हारा भी सर में ना सब अपस में होगा, पतंग अपस में होगा तेरा। ये महाकाल के तुम चंडाल हो अखिलेश यादव, सावधान, ये काली तुझे चैलेंज कर रहा, बचेगा नहीं तू। तुमने बैठ के सरंतर रच रहे, और ये मीडिया वाले ये सब बताओ उसको, सब बताओ, ये सनातन धर्म है हमारे घर में घुस कर, ये हम कोई कोई हमने कोई दलित नहीं है, कोई